नमस्कार, आज मैं बनाने वाली हूँ एगलेस केक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्पंजी और बिल्कुल फ्लफी और बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। तो आज मैं आप नए मेरे वीडियो पे नए नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले। और आप मेरे कोई भी दबा दीजिएगा बेल आइकन, तो आप कोई भी हम वीडियो डालेंगे तो आप पक्का खोल कर उसको देख सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। 1 कप मैदा लिया है, आधा कप चीनी लिया है, 2 एग लिया है, बेकिंग सोडा लिया है, ये बेकिंग पाउडर मैंने लिया है इसमें रखा है, और ये मेरे लिए एसन है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम 2 अंडे इसमें फोड़ लिया है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। तो मैंने पीसी अब इसमें हम पीसी हुई चीनी नहीं डाल रहे हैं, हम कढ़ाई चीनी इसके अंदर ऐड कर दे रहे हैं। अब इसको हम अच्छे तरह से बेक कर लेते हैं। बढ़िया और कितना सुंदर ये फ्लेवर तैयार हो गया है। देखिए, हम हल्के हल्के यहाँ पे तो ऊपर में चला रही हूँ। तो ये देखिए स्मूथ हो चुका है। देखिए ये फूल कर इतना सारा अंडा मैंने अच्छी तरह से बेक कर लिया है। अब इसको हम एक कंटेनर में मैदा को अब छानेंगे। अब मैंने एक बॉल ले लिया है, अब इसको ऊपर एक छन्नी रख लेते हैं जिसे हम मैदा छानेंगे। मैदा इसके अंदर हम डाल देते हैं, अच्छी तरह से हम इसको छान लेते हैं। बड़ा बॉल इसलिए लिए हैं जिससे मैदा बाहर ना जाए। और इसमें हम 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। तो ये मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा ले लिया है, इसी में डाल दे रही हूँ। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, देखिए मैं आपके सामने जो भी है वो अब मैं आपके सामने में डाल के बना रही हूँ, कुछ भी मैंने सीक्रेट नहीं रखा है। 1 चम्मच ये भी मैंने डाल दिया है। और अब हम अच्छी तरीके से इसको छान लेते हैं। अब हम इसमें दूध डालेंगे। अब हम इसमें दूध डाल के अच्छे तरीके से हम इसको सबसे पहले इसमें हम डाल के फेंट लेते हैं। हम लगातार इसको हम फेंटते जाएंगे। 1 चम्मच रिफाइंड सूरजमुखी का तेल यूज कर रहे हैं। इसमें 1 चम्मच मैंने तेल भी डाल दिया। देखिए गाढ़ा ये हो गया है बेटर, ज़्यादा गाढ़ा है। तो इसमें हम हल्का हल्का 1 कप मैंने दूध ले लिया, ठंडा दूध है, मैंने गर्म दूध नहीं लिया है, गर्म दूध नहीं डालेगा इसमें, नहीं तो ये जो इसका पेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। अब मैं बटर पेपर इसमें बिछा लिया है। ये मैंने बटर पेपर बिछा लिया है, इसके साइज का मैंने कट कर लिया था। अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल के मैं इसको इस तरह से ग्रीस कर लेती हूँ हर जगह से, जिससे दिक्कत नहीं होगा। आपके पास अगर तेल नहीं है, बटर पेपर भी नहीं है, तो आप हल्का सा तेल लगाइए और उसको मैदा से हल्की तरह हल्का डाल छीट के
और इसको मिक्स करके आप उसमें, अब इसके अंदर हम बैटर को डालेंगे। और बैटर को इसमें हम डाल देते हैं। और बैटर को इसमें हम डाल देते हैं। मैंने पतीले को प्री हीट के लिए मैंने रखा है कि प्री हीट हो जाए। हम पतीले में बनाएंगे, हम ओवन में नहीं बना रहे। कई लोग का हैरानी होगा कि पतीले को कभी कहीं प्री हीट होता है, तो मैं इसी में प्री हीट करके मैं केक बनाती हूँ। तो हम इसको जेब्रा केक बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने दो भागों में डिवाइड मैंने कर लिया है। अब इसमें हम कोको पाउडर डालेंगे। तो मैंने अंजाद से इसमें दो चम्मच कोको पाउडर इसमें मैंने डाल दिया है चम्मच, और अच्छी तरह से इसको हम फेंट लेते हैं। जेवरा केक भी बनकर तैयार होगा। अब मैंने एक बटर पेपर इस पे लगा लिया था। पहला वाला बटर पेपर लगाया था तो सही से सेट नहीं हुआ था, तो उसको मैंने हटा दिया है। दूसरा मैं बटर पेपर इसमें बिछा दिया है, और हल्का सा मैं तेल इस पे हम ग्रीस कर लेते हैं अच्छी तरीके से। साइड साइड से भी हम तेल लगा दिया है। तो इसमें हम पहले व्हाइट वाला बैटर डालेंगे इसमें, और इसको हम इस तरीके से थिक करेंगे इस तरीके से, इससे ये फैल जाए। और इसमें हम डालेंगे कोको पाउडर का पेस्ट, एक चम्मच ये भी मैंने डाल दिया। इसको इस तरह से हम फैलाते रहेंगे इस तरीके से, तभी हमारा डिजाइन जेब्रा का बनकर आएगा। फिर इसको हम इस तरीके से फैलाएंगे इस तरीके से हाथ के सहारे। फिर इसमें हम कोको पाउडर डालेंगे। यही स्टेप पूरा फॉलो करके हम बना लेते हैं। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि अंडे से ही जेब्रा केक बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अंडे का भी बन सकता है जेब्रा केक। देखिए मैंने सारा कुछ इसके अंदर मैंने डाल लिया है। तो ये देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया इसका कलर लग रहा है जेब्रा केक का। हम इसे एक टूथ पिक से इस तरह से हम डिजाइन इसका बना लेते हैं। देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसको हम बेक होने के लिए रख देते हैं। कितना सुंदर, कितना फ्लफी और कितना बढ़िया केक दिखने में लग रहा है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसको हम बेक करने के लिए, गर्म हो चुका है, अब इसको हम ढक्कन लगा देते हैं। 25 मिनट तक इसको हम बेक होने देंगे। देखिए फूलना स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसको ढक्कन लगा देते हैं। सुंदर और कितना बढ़िया जेब्रा केक फूल कर तैयार हुआ है। अब इसके टूथ पिक्स के सहारे हम देख लेते हैं कि अंदर से पका है या नहीं। तो हम इस टूथ पिक के सहारे हम इसको देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। जेब्रा केक बनकर तैयार है, ये ठंडा हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो एक हम प्लेट लेंगे। देखिए मैंने पलट लिया है, देखिए कितना सुंदर कितना स्पंजी फूल कर तैयार हुआ है। अब इसका हम पेपर हटा देते हैं। पेपर हटा दे रही हूँ।
कितना सुंदर और कितना स्पंजी जेब्रा के बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए दब रहा है, ये देखिए कितना स्पंजी और कितना फ्लफी जेब्रा केक बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया ये जेब्रा केक बनकर तैयार हुआ है। तब इसको मैंने कट कर लिया है, अब इसको हम ठंडा होने देते हैं, तब इसको हम डेकोरेट करेंगे। लीफ ग्रीन कलर इसमें मैंने क्रीम में डाला है, और फ्लेवर के लिए मैं इसमें डालूँगी पाइनएप्पल फ्लेवर, जिससे पाइनएप्पल का टेस्ट और फ्लेवर भी अच्छा आएगा टेस्ट खाने में। तो इसको इसमें डाल रही हूँ क्रीम में। अभी इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेते हैं क्रीम में। इसको लगातार अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा क्रीम लगाते हैं, जिससे बेस हमारा अलग नहीं होगा। इसको रख दिया इसके ऊपर, और ये मैंने चीनी का सीरा बनाया था वो इसके बेस पे मैं लगा दे रही हूँ अच्छी तरीके से। अच्छी तरह से मैं इस चीनी का सिरा इस पर लगा दिया बेस पे। अब इसके ऊपर हम क्रीम लगाएंगे। इसको मैंने पाइन नंबर एप्पल का फ्लेवर दिया है। अब इसके ऊपर हम दूसरा बेस डालेंगे। तो भी हम सिरे से, चीनी के सिरे से अच्छी तरीके से इसके ऊपर हम डाल देते हैं। दूसरा भी बेस इसके ऊपर हम अब डालेंगे। उसको भी इसी तरीके से हम कर लेते हैं। दूसरा भी, तीसरा, ये चौथा बेस है। तो अच्छी तरीके से हम इसको सेट कर दिया है क्रीम से। ये देखिए अच्छी तरह से हम इसको चिकना कर देते हैं। देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया केक लग रहा है। ये देखिए
ये देखिए कितना बढ़िया और कितना सुंदर लग रहा है। अब इसमें हम ऑरेंज कलर डाल रहे हैं, येलो कलर इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम ग्रीन कलर डालेंगे, अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। और इसमें हम कलर डाल दिया, एक गिलास ले लिया है और इसके अंदर मैंने रखकर पाइपिंग बैग में इसको भर लिया है अच्छी तरीके से। ये देखिए तब हम इसको नीचे नीचे देखिए मैं फूल से डिजाइन बना दे रही हूँ। एक लाइट ग्रीन है और एक हल्का ग्रीन है, ग्रीन है देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये मैंने देखिए कर लिया है, कितना सुंदर और कितना बढ़िया लग रहा है। सुंदर कितना बढ़िया, कितना बढ़िया लग रहा है कि बिल्कुल मार। कितना सुंदर और कितना बढ़िया लग रहा है केक बनकर। ये देखिए केक बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया केक बनकर हमारा तैयार फ्लेवर है और कितना सुंदर और कितना बढ़िया डिजाइन बनाया है। डिजाइन तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा डिजाइन बनाएंगे करता है। तो देखिए हम फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए, तो आप इसी तरह बनाइए। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।